मुझे तो लगता है कि मीडिया के साथियों को तो हमने सारी चीजें दिखाई थी। आपने पढ़ा है मैनिफेस्टो या नहीं? आप पढ़ लीजिए, फिर आपको प्रधानमंत्री जी की बातें खुद झूठी लगने लगी। आपने नहीं पढ़ा है शायद, मुझे लग रहा है। तो अगर पढ़ा होगा तो फिर प्रधानमंत्री जी की बातें तो आपको झूठी लग रही होंगी ना, कि प्रधानमंत्री जी निरंतर झूठ बोल रहे हैं। अब इसलिए आपने पढ़ा है मैनिफेस्टो या नहीं? तो पढ़ा होगा तो फिर आप बताइए, झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? नहीं, मेरा पहला प्रश्न है कि अगर आपने कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ा है तो फिर आप मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं? आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? मैनिफेस्टो आपने पढ़ा है? इस देश का कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति एक बार मैनिफेस्टो पढ़ ले, वो जान जाएगा कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। इतने सस्पेंस पे दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी जो सियासी तमाशा करते रहते हैं, उससे अच्छा है कि ये सस्पेंस रहा, मीडिया के लिए मसाला था, मीडिया का मनोरंजन होता रहा। दिक्कत क्या? मीडिया के लिए खबरें थी, मीडिया को तो इस पर खुश होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी संविधान में संशोधन करना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह और उनके पोस्टर बॉय अरुण गोविल कह चुके हैं। जब संविधान बदला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि दलितों के, पिछड़ों के आरक्षण पे हकमारी करेगी भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस उसे रोकेगी। कांग्रेस के नेताओं में जब तक सांस है तब तक संविधान को नहीं बदलने देंगे। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाएंगे। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई देश को दी है, इस देश में बेरोजगारी दी है। सोनिया जी वहां से सांसद रही हैं और विरासत है रायबरेली कांग्रेस पार्टी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए बहुत सारे मुद्दे हैं वहां पर जिससे जनता हमसे जुड़ रही है। और आप आज जो मीडिया के साथियों ने वहां की जनता से बात की है, आप वो बातचीत उठा के देखिए लोगों में कितना उत्साह है। अमेठी के लोग भी चाहते थे कि राहुल जी यहां से लड़े, रायबरेली के लोग चाहते थे यहां से लड़े। अब केंद्रीय चुनाव समिति ने जो फैसला किया, राहुल जी ने उसको स्वीकार किया। प्रधानमंत्री जी हों, रक्षा मंत्री जी हों, जो ये बातें कह रहे हैं अमेठी रायबरेली, उनके लिए अमेठी रायबरेली अलग अलग होगा। कांग्रेस पार्टी के लिए, गांधी परिवार के लिए अमेठी और रायबरेली एक जैसा है। दोनों का सम्मान, दोनों के लिए प्यार उनके दिल में एक जैसा है। इसलिए राजनाथ सिंह जी ये बात बोल रहे हैं, जो खुद गाजियाबाद से लखनऊ गए और कहां कहां उन्होंने सफर किया है। तो ये बात मुझे लगता है कि ये कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। दोनों जगह की जनता चाहती थी जहां फैसला पार्टी नेतृत्व ने, केंद्रीय चुनाव समिति ने किया, राहुल जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और अमेठी से केएल शर्मा जी लड़ रहे हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कौन सी आपत्ति वाली बात है? अच्छी बात है, अमेठी मां की विरासत है। अगर आदेश हुआ है राहुल जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जब कांग्रेस का शासनकाल था उस वक्त देश में दो संविधान काम करते थे, कश्मीर के लिए अलग संविधान था, देश के लिए अलग संविधान था। दरअसल प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। दो फेज के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जी समझ गए हैं कि देश की जनता ने चुनाव उनके हाथ से छीन लिया है, इसलिए वो हर 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 मीटिंग में झूठ बोल रहे हैं। कभी मंगलसूत्र का झूठ बोलते हैं, कभी भैंस ले लेगी कांग्रेस पार्टी, ये झूठ बोलते हैं, कभी हिंदू मुसलमान करते हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो नहीं लिखा है उसकी बातें करते हैं। क्योंकि मैं कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य हूं, इसलिए मुझे पता है। मैं तो प्रधानमंत्री जी को चुनौती देते हुए कहता हूं, आप एक बार कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को पूरी तरह से पढ़िए, पढ़ने के बाद अपने अंतरात्मा की आवाज पे सच बोलिए, देश को बताइए जो सच हो। ये चुनावी फायदे के लिए आप प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हैं, उस पद की बड़ी गरिमा है। अभी जिस तरीके से गुजरात में, पूरे देश में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है, लेकिन क्या गारंटी है कि इंडिया गठबंधन के चुनाव खत्म होने के बाद जो भी पार्टी से जो लोग जीतेंगे वो गठबंधन में रहेंगे या कांग्रेस में रहेंगे? क्योंकि लगातार पार्टी के लोग पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जितने लोगों ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन की है, कमोबेश उतने ही लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े नेताओं ने छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन की, उनके मौजूदा सांसदों ने पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन की है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास, एनडीए के पास क्या गारंटी है कि ओम प्रकाश राजभर उनके साथ रह जाएंगे? क्या गारंटी है कि मांझी उनके साथ रह जाएंगे, कुशवाहा उनके साथ रह जाएंगे? ये बेतुका सवाल है। देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए जो भी प्रतिबद्ध है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। आप लोग जीत का दावा कर रहे हैं, आपने कहा कि दो फेज के जो चुनाव हुए उसमें आप लोग आगे हैं, तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनने की बात अगर आ गई तो कौन ऐसा दावेदार है जो प्रधानमंत्री के लिए सबसे प्रमुख चेहरा होगा? नहीं, ये निर्णय इंडिया गठबंधन की बैठक में होगा। बाकी हम आगे हैं, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं,
देश के तमाम सर्वे उठा लीजिए, देश के तमाम अलग अलग क्षेत्रों के प्रबुद्ध पत्रकारों को उठा लीजिए, उनकी राय यही है कि इंडिया गठबंधन बढ़त पर है पहले और दूसरे फेज के चुनाव के बाद। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण इस बात का है कि प्रधानमंत्री की भाषा दोनों फेज के चुनाव के बाद लगातार उस भाषा में गिरावट आई है। हेमंत विश्व शर्मा ने आज ये कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान में बहुत फेमस है, उन्हें पाकिस्तान से अगर चुनाव लड़ लें तो भारी मतों से जीत जाएं। भाजपा वालों की पाकिस्तान से बड़ी यारी है, प्रधानमंत्री जी बिरयानी खाने के लिए बिना दावत के नवाज शरीफ के यहाँ पहुंच गए थे, वही समझते होंगे, उनको पाकिस्तान के बारे में ज्यादा जानकारी होगी। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। फडणवीस जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी टूरिस्ट हैं, कभी वायनाड जाते हैं, कभी अमेठी जाते हैं, कभी रायबरेली जाते हैं। फडणवीस जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा अत्याचार किया है, कहां बेचारे मुख्यमंत्री थे, कहां उनको डिप्टी सीएम बना दिया, फिर एक और डिप्टी सीएम लाके जोड़ दिया, डबल इंजन ट्रिपल इंजन, वो खुद राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सताए हुए। अनुराग ठाकुर जी ने कहा है कि आप राहुल गांधी जो हैं लगातार डरो मत के नारे लगाते रहे, लेकिन वो खुद डर डर के हर जगह से भाग रहे हैं, लेकिन इस बार रायबरेली से जब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो 100% वहां से उनकी हार होगी। अनुराग ठाकुर को चाहिए कि वो रायबरेली में कैंप कर जाएं और राहुल गांधी को हरा के दिखाएं। देखिए, पूरे देश में हमारी रणनीति बहुत सामान्य है और वो रणनीति है कि हम जनता के मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, जनता इस बात को मान गई है कि सरकार ने 10 साल में सिर्फ नफरत परोसने का काम किया है। जो नारे प्रधानमंत्री ने लगाए थे वो नारे सारे झूठे साबित हुए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा झूठा साबित हुआ, सब कुछ महंगा हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था वो तो और ही शर्मनाक तरीके से झूठा साबित हुआ। अभी प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर हजारों महिलाओं के बलात्कार का, उनके साथ यौन शोषण का आरोप लगा है, प्रधानमंत्री जी उसके लिए वोट मांगते हुए अपना परिवार बता रहे थे और वो विदेश चला गया, उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आज तक सस्पेंड नहीं किया गया है। तो प्रधानमंत्री के जितने नारे थे वो सारे झूठे साबित हुए हैं, यही इतना पर्याप्त है जनता के बीच में जाने के लिए।